हेलो एवरीवन, शुरू करने जा रहे हैं एमसीक्यू 100 प्लस क्वेश्चंस चैप्टर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि क्लास 12 बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 जो कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके 100 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। तो आप ही लोगों के रिक्वेस्ट के हिसाब से अब चैप्टर 2 से भी 100 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एज पर NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। कंपिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तैयारी अच्छे से करनी है। रिमेंबर वन थिंग, वन फोकस रिजोल्यूशन विल ब्रिंग रिवोल्यूशन। I repeat, one focus resolution will bring revolution. शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अंकित, a manager, expects his subordinates to work for the happiness and pleasure of being in the organization. Which principle of management is being overlooked? कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस लाइन पे देखा गया है? आंसर है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड आप कर सकते हैं अपने कंफर्टेबल, जैसे आप कंफर्टेबल रहे, 1.25 या फिर 2x स्पीड कर दीजिए। तो फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे तो कुछ टाइम आपका सेव हो जाएगा, तो बाकी टाइम आप किसी और टॉपिक पढ़ने में काम लगा सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इन व्हाट सिचुएशन हैज़ फेल, मींस हेनरी फेल, परमिटेड द वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल जो स्केलर चेन है उसका वायलेशन कब होता है वो देखते हैं। आंसर है एट द टाइम ऑफ सडन हैपनिंग। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑल सिमिलर एक्टिविटीज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑल सिमिलर एक्टिविटीज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट मस्ट बी कैप्ट अंडर वन अथॉरिटी। आंसर है ऑप्शन डी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एब्सोल्यूट। नंबर 5, हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड। आंसर है बाय एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर्स। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एफिशिएंसी। नेक्स्ट, नंबर 7, हेनरी फेल वॉज ए माइनिंग इंजीनियर। हेनरी फेल एक माइनिंग इंजीनियर थे। नेक्स्ट, नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। आंसर है ऑप्शन डी, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। एम्प्लॉइज के स्पेशलाइजेशन, यानी कि एम्प्लॉई जो भी बंदा जिस फील्ड में स्ट्रांग है, उसके स्पेशलिटी है, टैलेंट है, उसको उसी फील्ड में काम दिया जाता है, वो डिपार्टमेंट दिया जाता है, तभी वो और भी ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है और बेस्ट से बेस्ट आउटपुट हमें मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही और शी कीप्स मशीन्स मटेरियल्स टूल्स एट्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशंस बाय कंसर्न्ड वर्कर्स हुज वर्क इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस सेंटेंस अंडर फंक्शनल फॉर्मैनशिप। आंसर है गैंग बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। कौन सा नहीं है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो टेलर ने दिया है? वह है फंक्शनल फॉर्मैनशिप। तो दैट मीन्स बाकी के तीनों टेलर ने दिए हैं। कौन से हैं देख लेते हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ द थंब, मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्लियर। नेक्स्ट, 11 नंबर, मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म ए टास्क। एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, मींस कोई भी एक टास्क का परफॉर्म करने का बेस्ट वे फाइंड आउट करना है, वो कौन से
विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड दिस स्टेटमेंट्स इन्स मीन्स वो कौन से टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है जिसमें ये चीज़ बताई गई है, वो है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में हम यही सीखते हैं कि किसी भी एक टास्क को परफॉर्म करने का बेस्ट वे, वन ऑफ द बेस्ट वे क्या है वो ही फाइंड आउट करना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स मेंटल रिवोल्यूशन। आंसर है, इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड। इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फेयोल। वो है, फेयोल्स प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशंस वेयर एज टेलर्स प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये लाइन गलत है। दैट मीन्स बाकी के तीनों सही है, तो वो तीनों लाइन पढ़ लेते हैं, वो हमारे दूसरे क्वेश्चन के लिए काम आएंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन ए, फेयोल वॉज ए माइनिंग इंजीनियर। देखो इसी लाइन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले डील किया था। फेयोल कौन थे? एक माइनिंग इंजीनियर। वेयर एज टेलर वॉज ए मैकेनिकल इंजीनियर। सेम क्वेश्चन अगर टेलर के रिगार्डिंग आ जाता तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी था कि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। सो हमारे हेनरी फेयोल थे माइनिंग इंजीनियर और टेलर क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर। रिमेंबर दैट वन। नाउ नंबर सी, फेयोल्स प्रिंसिपल्स वेयर फॉर्म्ड थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस। फेयोल्स के प्रिंसिपल्स बनाए गए पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके। वेयर एज टेलर्स प्रिंसिपल्स वेयर फॉर्म्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। टेलर्स के प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं एक्सपेरिमेंट कर करके, ठीक है। नंबर डी, फेयोल्स प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एट टॉप लेवल मैनेजमेंट। फेयोल के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पर। लेवल ऑफ मैनेजमेंट तीन तरीके के होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल, जिसको लोअर लेवल या ऑपरेशन मैनेजमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, ऑपरेशनल लेवल। सो उसमें से टॉप लेवल में ही सिर्फ फेयोल्स के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हैं। वेयर एज टेलर्स प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एट द शॉप फ्लोर। क्लियर, टेलर के प्रिंसिपल शॉप फ्लोर पे एप्लीकेबल होते हैं जो कि लोअर लेवल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आंसर है, एप्लीकेबल टू ऑल द फील्ड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू फेयोल हैपेंस टू बी द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। आंसर है, अलॉटिंग ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द होल वर्क टू एवरी पर्सन। नेक्स्ट, What principle of management is violated if an employee gets order from more than one superior? अगर कोई भी employee order receive करता है more than one superior, एक से ज़्यादा superior से, तो वो बेचारा confused हो जाएगा कि किसका order माने और किसका ना माने, या फिर किसका पहले करे किसका बाद में करे। So ये कौन से चीज़ का violation हुआ, कौन से principle of management का violation हुआ? ये violation हुआ unity of command का। क्लियर, यूनिटी ऑफ कमांड में ये बताया गया कि सुपीरियर सिर्फ एक होना चाहिए जो अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर पास करेगा और वो सबॉर्डिनेट्स उन ऑर्डर्स को मानेंगे। एक सुपीरियर का ऑर्डर है तो मानना इजी है, समझ में आता है, लेकिन अलग अलग सुपीरियर्स होंगे और एक ही साथ ऑर्डर देंगे तो वो एम्प्लॉयज़ बेचारे जो एम्प्लॉयज़ हैं सबॉर्डिनेट्स हैं वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिटरमाइनिंग फेयर रेमुनरेशन। आंसर है, ऑल ऑफ दिस, मींस कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्वालिफिकेशन, डिमांड ऑफ लेबरर्स, सब माइंड में रखना पड़ता है जब हम रेमुनरेशन डिटरमाइन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन गिवन बाय हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे? उन्होंने दिए थे 14 प्रिंसिपल्स। Who is the father of administrative management? किसको father of administrative management कहा जाता है? वो है हमारे हेनरी फेयोल। Next, which system of management gives due importance to science and not rule of thumb? वो है scientific management. What did Taylor want to standardize? All of this means material, methods, machine and tools, सब के सब. Next, in what two departments did Taylor divide the work of a factory manager? Answer hai, department of planning and production. Next, which management expert has talked about mental revolution? Answer hoga, Taylor. Next, under fatigue study,
Answer is option D, duration and frequency of rest intervals given to employees during work is determined. फैटिक स्टडी में ये बोला गया है कि हम रेस्ट इंटरवल्स का ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं और फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार होना चाहिए वो डिसाइड करते हैं. ये किस लिए करते हैं? एम्प्लॉइज़ जो अपने वर्क्स करेंगे उनमें ये सब डिफरेंशिएट करने के लिए. अब कोई भी काम हो सकता है, जैसे कि अब हम अगर एग्जांपल ले एज ए स्टूडेंट तुम लोगों को आसानी से समझ आएगा हमारे क्लासेस के बारे में. जैसे कि टोटल क्लास मान लीजिए हमारे यहाँ पर तो 8 होते हैं, तो 8 क्लासेस में उनको डिवाइड किया गया 4-4 करके. ओके, तो मिडिल में डिवाइड किया गया और मिडिल में एक इंटरवल रेस्ट इंटरवल रखा गया. तो रेस्ट इंटरवल कितना रखना है वो डिसाइड करने को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. एक रखना है, दो रखना है, तीन रखना है, वो डिसाइड करते हैं. फिर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन भी हमें डिसाइड करने पड़ते हैं कि वो कितने मिनट्स के होने चाहिए, 30 मिनट्स या 1 आवर. जैसे कि किसी भी काम में आप देख सकते हैं एक लंच ब्रेक दिया जाता है, जैसे कि बैंक में आपको देखने को मिलेंगे लंच ब्रेक होता है, तो वो है रेस्ट इंटरवल्स. किसी फैक्ट्री में जाएंगे तो वहाँ भी आपको एक ब्रेक देखने को मिलेगा. अब किसी जगह ज़्यादा काम होता है, मान लीजिए सुबह से लेकर रात तक, तो वह आपको 2-3 इंटरवल्स देखने को मिलेंगे. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स मतलब कितने नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स देने हैं वो डिसाइड करना है, और ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स मतलब कितने समय के लिए रेस्ट इंटरवल हो वो देखना है. ठीक है, देखो पूरे काम करते हुए मिडिल में थोड़ा बहुत रेस्ट की ज़रूरत है, तभी हम नेक्स्ट जो काम कर पाएंगे रेस्ट के बाद वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे. मान लीजिए आपके पास एक नाइफ है और उससे आपको चीज़ें को कट करना है. अब दो लोगों को एक एक नाइफ दिया जाता है, उनमें से एक लोग को ये बोला जाता है, एक पर्सन को ये बोला जाता है कि आप कंटिन्यूसली काटते ही जाओ. ठीक है, एक ड्यूरेशन दिया जाता है, मान लीजिए 8 घंटे तक आप सिर्फ कट करते रहो, और एक पर्सन को ये बताया जाता है कि आप कट करते रहो और मिडिल में एक ब्रेक लेके नाइफ को थोड़ा शार्प किया करो. ठीक है, तो दोनों को ही टोटल टाइम 8 घंटे का ही दिया जाता है. तो अल्टीमेटली देखने को मिलेगा कि 8 घंटे के बाद जिसने मिडिल में ब्रेक लिया और अपने नाइफ को शार्प किया उसने ज़्यादा कट किया. ठीक है, तो इस स्टडी से या एक्सपेरिमेंट से ये पता चल जाता है कि मिडिल में ब्रेक होने से काम और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से होते हैं. सो फैटिक स्टडी में हम ये सब डिस्कस करते हैं. आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन. साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग्स मेंटल चेंज. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल. आंसर है इन ऑल ऑफ दीज. दैट मीन्स नंबर ए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट. सब में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल है. ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई स्पोर्ट्स का फील्ड हो. ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में.